मैं हूँ फ़ायज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़ायज़ा स्कॉट स्कॉट। फिर आज मैं मौजूद हूँ मरी रोड पर सिकंदर मोटर्स पर, जहाँ पर मैं आपको सेकंड हैंड गाड़ियों का रिव्यू करवाऊँगी और इन गाड़ियों से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, इसकी कीमत और इंटीरियर एक्सटीरियर तमाम चीज़ें शामिल होंगी। आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, सबसे पहले अपनी खूबसूरत गाड़ी की तरफ चलेंगे। जी व्यूअर्स, तो वीडियो में पहली गाड़ी जो हमारे पास वो है टोयोटा प्राडो 98 का, ये मॉडल है और 2014 की इम्पोर्ट है। लाहौर नंबर गाड़ी है। गाड़ी की अगर फ्रंट प्रोफाइल की मैं बात करूं तो फ्रंट से आप गाड़ी के लाइट्स, बोनट, बम्पर और ओवरऑल कंडीशन देख सकते हैं। गाड़ी आपको फ्रंट से बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में मिल रही है, जिसमें आप इसके क्रोम्स वगैरह और लाइट की कंडीशन भी देख सकते हैं। गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल के बाद अगर बात किए गाड़ी के साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में आप गाड़ी का टायर देख सकते हैं, जिसमें आपको लायरम इंस्टॉल मिलेगा। गाड़ी का जो टायर है वो आपको 70-80% मिलेगा। इसी तरीके से अगर फेंडर की बात में करूं तो गाड़ी के फेंडर की कंडीशन भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर गाड़ी के ड्राइविंग डोर की बात की जाए तो गाड़ी का ड्राइविंग डोर भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में मिल रहा है। और इसी तरीके से मैं आपको गाड़ी के बैक डोर की कंडीशन भी दिखा देती हूँ और फुट स्टेप की कंडीशन भी आपके सामने है। गाड़ी की राइट साइड प्रोफाइल के साथ मैं आपको गाड़ी के बैक कैबिन की कंडीशन भी दिखा देती हूँ बैक से, जो कि आपको अच्छी कंडीशन में मिल रहा है। कंडीशन दिखाने के बाद अगर गाड़ी की छत की बात की जाए तो देख सकते हैं आप कि गाड़ी की छत में आपको रूफ रेल इंस्टॉल मिलेगा और ओवरऑल इसकी साइड्स वगैरह की कंडीशन भी मैं आपको दिखा देती हूँ। गाड़ी की राइट साइड की कंडीशन दिखाने के बाद हम गाड़ी की बैक साइड की तरफ चलेंगे। तो बात की जाए अगर गाड़ी की बैक साइड प्रोफाइल की, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको स्पॉइलर भी इंस्टॉल मिलेगा और ओवरऑल बैक की कंडीशन आपके सामने है। गाड़ी बैक से भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में मिल रही है, जिसमें इसके लाइट्स वगैरह और ओवरऑल इसके डोर की बाइट से कंडीशन आपके सामने है। गाड़ी की बैक आपको अच्छी कंडीशन में मिल रही है। जी वे सो, गाड़ी की बैक साइड प्रोफाइल की कंडीशन मैंने आपको दिखा दी है, जो कि आपको अच्छी कंडीशन में मिल रही है। इसी तरीके से गाड़ी के डोर की मैं आपको अंदर से कंडीशन भी दिखा देती हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं डोर की जो साइड्स हैं ओवरऑल उसकी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी आपको मिल रही है और गाड़ी का डोर भी अच्छी कंडीशन में आपको मिल रहा है। इसी तरीके से मैं गाड़ी की बैक स्पेस की कंडीशन भी आपको यहीं से दिखा देती हूँ, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में मिल रही है और इसके डोर पिलर्स की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ओवरऑल बैक कैबिन की कंडीशन मैं आपको दिखा देती हूँ और यहीं से मैं आपको गाड़ी की बैक सीट्स की कंडीशन भी दिखा देती हूँ। गाड़ी की बैक सीट्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में मिल रही हैं। गाड़ी की बैक के बाद अगर बात की जाए गाड़ी की लेफ्ट साइड प्रोफाइल की, तो लेफ्ट साइड प्रोफाइल में आप देख सकते हैं इसका बैक कैबिन, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में मिल रहा है। ओवरऑल टायर्स वगैरह और इसके इस साइड के फुट स्टेप की कंडीशन भी आपको दिखा देती हूँ, जो कि आपको अच्छी कंडीशन में मिल रहे हैं और दोनों डोर्स की कंडीशन भी आपके सामने हैं। लेफ्ट साइड की भी आपको मैंने कंडीशन कंप्लीट दिखा दी है। इसी के साथ व्यूअर्स मैं बताती चलूँ कि गाड़ी का जो एक्सटीरियर है इसमें आपको बिल्कुल माइनर से पेंट टचअप्स मिलेंगे, लेकिन बात अगर इंटीरियर की जाए तो गाड़ी का इंटीरियर आपको 100% जेन्युइन कंडीशन में मिल रहा है, जो कि जब मैं आपको इंटीरियर अभी दिखाऊंगी तो आपको उससे भी आइडिया हो जाएगा कि गाड़ी का इंटीरियर बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डोर की बात की जाए इंटीरियर में, तो आप डोर की साइड्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं और ओवरऑल डोर की बाकी कंडीशन भी देख सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में मिल रहा है। इसी तरीके से अगर डोर पिलर्स की बात की जाए तो गाड़ी के डोर पिलर्स की कंडीशन भी आपके सामने है, जो कि आपको अच्छी हालत में मिल रहे हैं। इसी तरीके से अगर गाड़ी की सीट्स की बात की जाए तो वेलकमिंग सी सीट्स हैं गाड़ी की, जो कि लेदर में है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है। आने के साथ ही मैं आपको गाड़ी की कंसोल की कंडीशन भी दिखा देती हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में मिल रहा है। थ्रू आउट कंसोल की कंडीशन आप देख सकते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ये गाड़ी है। और बात की जाए अगर 4x4 की, तो 4x4 भी आपको एक्टिव मिलेगा। बात की जाए अगर गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो गाड़ी का डैशबोर्ड आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में मिल रहा है। LED पैनल भी आपको गाड़ी में इंस्टॉल मिलेगा और AC आपको वर्किंग कंडीशन में मिलेगा। ओवरऑल स्टेयरिंग वगैरह की और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की कंडीशन भी आप देख सकते हैं, जो कि आपको साफ़ सुथरी हालत में मिल रहा है। किसी किस्म की टूट फूट गाड़ी में आपको फ्रंट में नज़र में नहीं आएगी। गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल दिखाने के बाद हम गाड़ी के बैक कैबिन की तरफ चलेंगे। जी व्यूअर्स, तो गाड़ी के बैक डोर की अगर बात की जाए तो फ्रंट की तरह बैक डोर आपको साफ़ कंडीशन में मिल रहा है। ओवरऑल इसकी कंडीशन आपको मैं साइड से भी दिखा देती हूँ। और डोर पिलर्स की अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी के डोर पिलर्स भी आपको रिपेयर नहीं मिलेंगे, जेन्युइन अपनी कंडीशन में मिलेंगे। फ्रंट की तरह बैक सीट्स भी आपको अच्छी कंडीशन में मिल रही हैं। ओवरऑल आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं और इसी तरीके से आप गाड़ी के फ्लोर वगैरह की कंडीशन भी देख सकते हैं।
जो कि आपको अच्छी हालत में मिल रहा है। बात की जाए अगर गाड़ी की छत की, तो छत की कंडीशन भी आपके सामने है। गाड़ी का सनरूफ भी जो है वो वर्किंग में है और आप ओवरऑल छत की कंडीशन भी देख रहे हैं। गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर एक्सटीरियर मैंने आपको दिखा दिया है। अब गाड़ी के हम इंजन रूम की तरफ चलेंगे। जी व्यूअर्स, तो बात की जाए अगर गाड़ी के इंजन रूम की, तो 3000 सीसी डीजल इंजन के साथ ये गाड़ी आपको बहुत अच्छी ड्राइव देगी। और ओवरऑल अगर बात की जाए इंजन रूम की कंडीशन की, तो कंडीशन आप इंजन रूम की देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बैटरीज भी इंस्टॉल्ड हैं और अच्छी कंडीशन में इसकी बैटरीज है। और साइड से अगर देखा जाए तो गाड़ी में आपको किसी किस्म का रस्ट भी नज़र नहीं आएगा और ओवरऑल कंडीशन भी आपके सामने है। गाड़ी का इंजन रूम आपको साफ़ सुथरी हालत में मिल रहा है और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का इस गाड़ी में किसी किस्म का आपको काम नहीं मिलेगा। जी व्यूअर्स, तो बात की जाए इस खूबसूरत गाड़ी की डिमांड की, तो ये गाड़ी आपको 40 लाख के बजट में मिलेगी, लेकिन ये इसकी फाइनल डिमांड नहीं है। अगर आप सीरियस बायर हो और गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड हुए, तो इसमें मज़ीद नेगोशिएशन भी हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मौजूद नंबर पर रब्ता करके आप गाड़ी की मज़ीद डिटेल भी ले सकते हैं और सिकंदर मोटर पर विजिट करके आप गाड़ी को चेक भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट गाड़ी की तरफ चलेंगे। हम अपनी नेक्स्ट गाड़ी की तरफ, जो है सुजुकी मेहरान VX 2006 का ये मॉडल है व्यूअर्स, और 2007 की रजिस्ट्रेशन है। बात की जाए अगर गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की, तो फ्रंट से आप गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं, जिसमें आप इसके बोनट बम्पर और ओवरऑल कंडीशन देख सकते हैं। गाड़ी आपको फ्रंट से अच्छी कंडीशन में मिल रही है, लेकिन इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि गाड़ी के आउटर में आपको माइनर से पेंट टचअप्स मिलेंगे, लेकिन अगर इंटीरियर की बात की जाए तो गाड़ी इंटीरियर वाइज आपको अच्छी कंडीशन में मिल रही है। फ्रंट के बाद बात करूँ अगर गाड़ी के टायर्स की, तो टायर्स आपको 60-70% मिलेंगे, जिनमें आपको एलआईएम भी इंस्टॉल मिलेंगे। और अगर इसी तरीके से गाड़ी के ड्राइविंग डोर की बात की जाए, तो गाड़ी का ड्राइविंग डोर आपको अच्छी कंडीशन में मिल रहा है। इसी तरीके से गाड़ी के बैक डोर की अगर बात की जाए, तो गाड़ी के बैक डोर की कंडीशन भी आप देख सकते हैं। गाड़ी की राइट साइड प्रोफाइल दिखाने के बाद गाड़ी की बैक साइड प्रोफाइल की कंडीशन भी मैं आपको दिखा देती हूँ, तो गाड़ी आपको बैक साइड से भी अच्छी कंडीशन में मिल रही है। इसी तरीके से गाड़ी की छत की कंडीशन भी हम आपको दिखा देते हैं। गाड़ी की छत की कंडीशन दिखाने के बाद मैं आपको गाड़ी की लेफ्ट साइड की कंडीशन दिखा देती हूँ थ्रू आउट। जी व्यूअर्स, तो बात की अगर गाड़ी की लेफ्ट साइड प्रोफाइल की, तो राइट की तरह गाड़ी आपको लेफ़्ट साइड से भी अच्छी कंडीशन में मिल रही है, जिसमें आपको किसी किस्म का डेंट नज़र नहीं आएगा गाड़ी में, और ना ही ये गाड़ी एक्सीडेंटल है। गाड़ी जेन्युइन अपनी कंडीशन में है, सिर्फ हल्के फुल्के पेंट टचअप्स आपको गाड़ी में मिलेंगे। सो गाड़ी के एक्सटीरियर के बाद हम गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलेंगे। इंटीरियर में अगर फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए गाड़ी के डोर की, तो गाड़ी के डोर की कंडीशन आप देख सकते हैं, जिसमें इसकी साइड्स वगैरह शामिल है, और थ्रू आउट आप डोर की कंडीशन भी देख लें। इसी तरीके से अगर डोर पिलर्स की बात की जाए, तो गाड़ी के डोर पिलर्स की कंडीशन भी आपको अच्छी मिल रही है। गाड़ी की सीट्स की कंडीशन आपके सामने है, फैब्रिक में इसकी सीट्स हैं, जो कि आपको नॉर्मल सी कंडीशन में मिल रही हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए गाड़ी के डैशबोर्ड को, तो डैशबोर्ड आपको अच्छी कंडीशन में मिल रहा है। गाड़ी में बेसिक सा DVD प्लेयर आपको इंस्टॉल मिलेगा, और ओवरऑल इसकी कंसोल वगैरह की कंडीशन भी आप देख सकते हैं। गाड़ी आपको फ्रंट से अच्छी कंडीशन में मिल रही है। गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल दिखाने के बाद मैं आपको गाड़ी की बैक सीट्स भी दिखा देती हूँ। बैक डोर की कंडीशन की अगर बात की जाए, तो गाड़ी का बैक डोर आपको अच्छी कंडीशन में मिल रहा है। इसी तरीके से हम डोर पिलर्स की कंडीशन भी आपको दिखा देते हैं, और गाड़ी की सीट्स की कंडीशन भी आपको दिखा देते हैं, जो कि फ्रंट की तरह आपको साफ सुथरी कंडीशन में मिल रही है। कंप्लीट इंटीरियर एक्सटीरियर मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बाद से अगर इस गाड़ी की डिमांड की, तो ये गाड़ी आपको 7,80,000 के बजट में मिल रही है, जो कि स्टिल एक अच्छी डिमांड की जा रही है, लेकिन अगर आप सीरियस बायर हो तो इसमें मज़ीद नेगोशिएशन भी हो जाएगी। जी व्यूअर्स, इन गाड़ियों के साथ मेरी आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंची। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके पॉजिटिव फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।